तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं ये होंडा की अमेज है, 2014 का मॉडल है, पेट्रोल कार है, गाड़ी चालू है लेकिन बट इसका एसी का बटन जो देख पा रहे हैं आप, जैसा कि देख पा रहे हैं ब्लोअर चालू रखा है हमने, एक पे ऑन हो ही नहीं रहा, जब दबा के रखते हैं तो ऑन रहता है, एसी ऑन होता है बाकी फिर छोड़ देता है। तो इसका बटन में कुछ ना कुछ फॉल्ट हुआ है। इसमें एक स्प्रिंग रहती है, वो स्प्रिंग चाहे तो प्रॉपर तरीके से लॉक नहीं हो रहा है, इस वजह से बटन ऊपर फेंक दे रहा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो चलो मैं इसको कंट्रोल पैनल को खोलना, कुछ ज्यादा भारी नहीं है, ऐसे ही खुल जाएगा और ये वाला बटन जो अंदर खींचेंगे ये निकल जाएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं मैं निकाल दिया बटन को, तो इसको मैं बाहर लेता हूँ फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हो बटन निकल चुकी है और ये बटन जो को मैं दबा रहा हूं, लॉक होना मांगता है, लॉक नहीं हो रहा है। इसमें एक अंदर स्प्रिंग रहती है, वो स्प्रिंग बराबर तरीके से लॉक नहीं हो रहा है, इस वजह से ये बटन ऊपर फेंक दे रहा है, यानी ऑन पोजीशन में जाके अटकता नहीं है बटन। तो चलो ये बटन को मैं खोलता हूँ, खोलने के बाद फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं फाइनली मैं इसको बटन को खोल दिया हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं ये रही इसका सर्किट, इसमें दो बल्ब रहता है, एक पार्किंग वाला जब चालू करेंगे तब ऑन होता है और एक एसी ऑन करेंगे तभी चालू होता है। तो इसका हुआ क्या है, ये जो स्प्रिंग दिख रही है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो तार दिख रही है ये वाली इसको दबा के नहीं रख पा रहा था, इस वजह से इसको दबा के कौन रखता है, एक इधर दिया है तार, ये वाला इसमें टेंशन रहता है तो ये दबा के नहीं रख पा रहा था, इसको प्रेस करके नहीं रख पा रहा था ये वाली को, इस वजह से ये लॉक नहीं हो रहा था। और ये लॉक होता है ये वाली खांचे में, जैसा कि देख पा रहे हैं ये वाली खांचे में, यहाँ खांचा है, ग्रीस लगा हुआ है, इसकी वजह से क्लियरिटी नहीं दिख रही होगी, तो यहाँ बैठता है। तो चलो मैं इसको फिटिंग करता हूँ, फिटिंग करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ कैसे फिट रहता है ये, फिटिंग कर देता हूँ फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं आप, मैं जैसा बताया आपको, एक मिनट जरा, ये वाली नीचे बैठेगा और उसके बाद ये इसको दबा के रखता है ये वाला, इसमें प्रेशर रहता है थोड़ा स्प्रिंग टाइप का, टेंशनर दिया हुआ रहता है तार में, तो ये इसको दबा के रखता है। उसके बाद इसके अंदर जो बैठेगा ये वाला पार्ट इसके अंदर स्प्रिंग बैठता है। तो चलो मैं इसको फिर बैठा करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ, ये इसके अंदर ऐसा बैठेगा, तो बैठा करके फिर आगे दिखाता हूँ आपको। ये देख पा रहे हैं इसको मैं बैठा चुका हूँ, अब इसके अंदर ये जो होल दिख रही है, इस होल में ये वाली स्प्रिंग बैठेगी, बैठ चुका है स्प्रिंग, और उसके बाद ये आके इस खांचे में बैठेगा। तो खांचे में मैं बैठा करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं मैं इसमें बैठा दिया हूँ, देख पा रहे हैं, और जो नीचे का जो भाग, वो जो तार था वो नीचे जाके लॉक होता है, जो दिखाया था जिसमें बताया कि मैं ग्रीस लगा हुआ है, दिख नहीं रहा साहब। तो ये वाला सर्किट जो देख रहे हैं आप ना, कभी कभी आपका ये बटन काम तो कर रहा है लेकिन बट ये लाइट ग्लो नहीं कर रहा है, तो ये दो बल्ब रहता है, ये दो बल्ब फ्यूज हो जाने की वजह से कभी कभी लाइट ग्लो नहीं करता है। तो चलो फिर मैं सर्किट को बटन में फिटिंग करता हूँ, फिटिंग करके आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे सर्किट बटन प्रॉपर तरीके से फिट हो चुका है, अब मैं इसको दबा रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ, देखो चल रहा है प्रॉपर, आवाज भी सुनाई देता हूँ आपको, जो कि पहले आवाज ऐसा नहीं आ रहा था, एक बार आवाज कर रहा था वो आवाज लॉक नहीं हो रहा था, जो कि अभी लॉक हो पा रहा है, सुन पा रहे हैं आप, हो रहा है नहीं, उसका स्प्रिंग का वो जो लॉक तार था वो वहाँ प्रेस नहीं करके रख पा रहा था, इसके वजह से ऐसा हो चुका था। तो चलो फिर मैं फाइनली इसको फिट करता हूँ, फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से फिट हो गया, फिट कर दिया मैं बटन को। तो चलो फिर मैं अंदर लगाता हूँ सॉकेट में, फिर देखता हूँ चालू करके कैसा हो रहा है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं बराबर। फाइनली जैसा कि देख पा रहे हैं बटन फिट कर दिया और आप देख पा रहे हैं लाइट भी आ रहा है, सब प्रॉपर चल रहा है, देख पा रहे हैं आवाज भी आता होगा बटन का, टक टक का आवाज,
जो कि लॉक होता है अनलॉक होता है, लॉक होता है अनलॉक होता है, यानी रिपेयरिंग हो गया जैसा कि मैंने आपको दिखाया। और अभी जस्ट मैंने एसी चालू किया और कूलिंग टेम्परेचर भी आप देख लीजिए 14 पे आ गया है और भी ड्रॉप हो रहा है, तो मतलब ये बटन रिपेयरिंग सक्सेसफुल हो गया। तो ये बटन ज्यादा महंगा भी नहीं है, 300 रुपए का कुछ है, 300 का है या फिर 150 का ऐसा कुछ है, मेरे को याद नहीं आ रहा है रेट कितना है इसका। तो आप अक्सर वो बेस्तर ये प्रॉब्लम आता ही ये वाला बटन में, एक तो ये वाला फॉल्ट के बटन आपका लॉक नहीं होता है, या फिर दूसरा क्या फॉल्ट आता है इसमें कि लाइट ग्लो नहीं होता है, बटन वर्किंग में रहता है बट लाइट ग्लो नहीं रहता है, ऐसी वैसे चालू रहता है। तो चलो फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।